आज जनता की अदालत में जो सबसे बड़ा अदालत होता है, आप लोगों के बीच आए हैं, न्याय के लिए आए हैं, आप लोग न्याय करने का काम कीजिए। हमारे पिता को साजिश के तहत मोदी जी और हमारे पलटू चाचा मिलकर के फंसाने का काम किया है। क्यों फंसाया है, क्यों साजिश की है? क्योंकि लालू जी ने सामाजिक न्याय का झंडा को बुलंद किया, भाईचारा कायम किया था, लड़ाई लड़ी, जो परिवार है उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, गरीब को जुबान देने का काम किया। आज उसकी सजा जो है लालू जी को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन लालू जी के मुंह से अफसोस नहीं है। बाल कब्जा आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, गरीब को अधिकार दिलाते दिलाते, छात्र जीवन से लेकर के आज 70 साल से भी ज्यादा हो गया, जबरदस्ती मुकदमा पे मुकदमा, छापा पे छापा करके भी उनको जेल में भेजा गया। दिल का बीमारी है, डायबिटीज का बीमारी है, किडनी में बीमारी है, तरह तरह की बीमारियां है, लेकिन फिर भी भाजपा के आगे झुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि ललकारने का नाम ले रहे और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। लालू जी को इसलिए भेजा गया क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण के साथ और संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए लोग जानते थे, उसने जेल भेजने का काम किया, उनको तो भेजा ही भेजा, हम पे भी 35 मुकदमा कर दिए। जो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, आप समझिए बीजेपी का प्रकोष्ठ है। आज दुख इस बात का है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, आज वहां मनमानी चलाया जा रहा है, दबाव में काम कराया जा रहा है और अपने मन चलते अधिकारी को वहां डाल करके एक पॉलिटिकल विंडिक्टिव जो राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से राजनीतिक विरोधी को फंसाने का काम किया जा रहा है, छापा पे छापा, छापा पे छापा। बचपन से लेकर के आज हम 28-29 साल के अगर छापे देख रहे, छापा देखते देखते हम बड़े हो गए। इतना छापा मारा, बोलो ना CBI के लोग कितना पैसा मिला, कितना निकला? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, लेकिन गिरिराज सिंह के यहाँ से तो विदेशियों पैसा मिला, देशियों मिला, सोनो मिला। तब गिरिराज सिंह का नहीं था, तो उनके दोस्त ने दिया था उनको रखने के लिए। हमारे चाचा पलटू चाचा सुशील घोटाला जो किए, सुशील मोदी जो किए, रेखा मोदी का नाम आया, वो छापा में काहे? हमारे चाचा इसीलिए तो भाजपा में चले गए कि सृजन घोटाले का डर था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का डर था। आज जो बीजेपी में चला जाता राजा हरिश्चंद्र हो जाता, और जो जनता के साथ खड़ा होकर के सवाल पूछता है उसको मोदी जी जो है अपना अलायंस पार्टनर सहयोगी गठबंधन जो है CBI को लगा देता है, बदला लिया जाएगा, बदला। आप समझिए, हम लोग तो सुनते थे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तब पाप छूटता है, अब तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का चरण छुइएगा, शरण में जाइएगा, भाजपा में जाइएगा, तब पाप छूटता है। आप लोग समझिए इस बात को। CBI के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उन्होंने कहा कि PMO का एक अधिकारी, प्रधानमंत्री का, यहाँ छक्का मोदी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार मिलकर के टेलीफोन करके देखे लालू जी को जेल भेजो, ये ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे आलोक वर्मा CBI निदेशक का बयान है। आप सोचिए, उसको भी हटा दिया गया। अब हमको बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या होता है, ये तो अघोषित इमरजेंसी लागू है, तानाशाही चल रहा है देश में, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है, और जो आने वाला जो लड़ाई है इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में, सच और झूठ की लड़ाई
शिव और अबीर की लड़ाई में आप लोगों को गोलबंद होकर के ये जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो ये समझ रहे, भले तुम अपने आप को चौकीदार बोलो मोदी जी, लेकिन ये बात समझ रही है कि देश की जनता और बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार है। चौकीदार ने अगर गलती करने का काम किया है तो थानेदार उसको सजा देगी, छोड़ेगी नहीं, सजा देगी। दीजिएगा ना 15-15 लाख रुपया मिला, क्या मिला? रोजगार मिला 2 करोड़ और 1 साल, कुछ नहीं मिला, क्या मिला? स्मार्ट सिटी बनाया, कितना बिहार को मिला? नरेंद्र मोदी जी बिहार का बोली लगाए थे, याद है आगरा में 2015 के चुनाव में क्या बोलते थे? 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, 80,000 करोड़ दू की 90,000 करोड़ दू, चलो 1,25,000 रुपया दिया, 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, कब तो गया? बिहार से पूछो बिहार के लोगों को कितना पैसा मिला? बोलते थे स्पेशल राज का दर्जा दे, कहां मिला? ये हमारे चचा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चचा ने बताइए 4 साल में 4 सरकार, जिस राज्य में अगर 4 साल में 4 सरकार बहुमत के बाद भी अगर बनाने लगे तो उस राज्य में विकास संभव है क्या? विकास होगा क्या? मतलब पता नहीं रहता है। अगर यहाँ बीजेपी करोगे तो भाई सुन लो, काम फिर करके सुन लीजिए, नीतीश जी आपका वोट लेकर के फिर बाद में कहाँ सौदा करेंगे, कहाँ पलटी मारेंगे, आप लोग समझ रहे? कोई गारंटी लेता है क्या उनका? कोई भरोसा है? कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। हम तो बचपन में मूवी देखे थे चाची 420, ये तो हमारा चाचा 420 निकल गया भाई, ये स्थिति है। काम कुछ नहीं किए, बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। आप बताइए शराब बंद बंदी है कि चालू है? चालू है ना, हमको तो लगता होम डिलीवरी हो रहा है, और जेल के जा रहा है, गरीब जा रहा, दलित जा रहा, पिछड़ा जा रहा, आदिवासी जा रहा, जिसको पेड़ कराने का पैसा नहीं है, जो परिवार में कमाऊ व्यक्ति है, घर में उसकी मेहराब और बच्चा भूखे मर रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। और बड़ा बड़ा अधिकारी बाबू साहब लोग पूरा डेली शाम में पार्टी होता है, आप बताइए होम डिलीवरी हो रहा है, तो 200 का बोतल मिल रहा 1500 रुपया में, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? महंगा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? पैसा फेंक तमाशा दे, भ्रष्टाचार बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? अब फाइन लगे 50,000 रुपया, फिर दोबारा 50,000 रुपया, फिर तीसरा में भेज दे, ये कानून बनाए। अब पहले सिपाही वाले लोग थे, अब बताइए बेचारा हमको तो तरस आते हैं, थानेदार लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, अभी गुंडा के पकड़े हैं, चोर चकारी के पकड़े हैं, शराबी वाले के पीछे पड़ा हुआ है, उसी ने ना हत्या बढ़ रही है, उसी ने ना बलात्कार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये डबल इंजन का सरकार, एक भ्रष्टाचार में एगो इंजन, अरे एगो इंजन अपराध का, यही स्थिति है पूरे बिहार में। बालू बंदी करा देंगे, बालू बंदी, सबका रोजगार छीन लिए, और क्या काम हुआ बताइए आप? यहाँ महिला है पूछे विधवा पेंशन मिल रहा है कितना लोगों में? क्या अस्पतालों की स्थिति सुधरी? कुत्ता को टंगुए लेकर भाग रहा है अस्पताल के अंदर, कुत्ता लेकर रहता है, वो पानी नवादा में कहीं चले जाएगा तो पानी इतना इतना भरा रहता है बारिश के मौसम में। ये अस्पतालों की स्थिति है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, दवा माफिया नकली दवा बेच रहा है मार्केट में, कोई छापा नहीं पड़ाया जा रहा है, सब आरसीपी टैक्स हो रहा है, आरसीपी टैक्स, सारा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का पार्टी के फंड में जा रहा है, फंड में जा रहा है। ये जो 1500 रुपए दारू मिल रहा है, जो 200 रुपए का बोतल था, बाकी का 1300 रुपया जो भी नीतीश कुमार जी के खाते में जा रहा है, तो समझ नहीं रहे, ये पूरा माफियाओं से मिले हुए है, ये जानबूझ कर दिए साजिश किया जा रहा है, आप लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, उसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं, अपने संविधान को बचाइए। ये बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं, हम लोग मोदी जी से बोलते हैं कि मोदी जी रोजगार दीजिए, आपने वादा किया था, तो बोलते पकौड़ा छाने का समय,
अरे आप बताइए तो डॉक्टर का डिग्री लिया, जो इंजीनियर का डिग्री लिया, वो क्या पकड़ा छाड़ेगा? लेकिन चलो घर में अगर भुखमरी है, बेबसी है, गुर्बत है, आर्थिक स्थिति खराब है, घर में अगर बच्चों का पेट पालना है, परिवार का पेट पालना है, तो आप तो पकौड़ों बेचने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी, पकौड़ा बेचने के लिए ठेला चाहिए, सामग्री चाहिए, पैसा चाहिए, तो 15-15 लाख रुपए का आपने वादा किया था, कम से कम 2-3 लाख रुपए पूरी कराना चाहिए था कि पकौड़ा का ठेला हम लोग लगा ले। कहाँ लग रहा है भाई, कोई काम नहीं। अब मान लीजिए 1 साल में 2 करोड़ लोग जब अगर पकौड़ा बनाएंगे, बेचेंगे, तो पकौड़ों के खाएगा, यानी 5 साल में 10 करोड़ लोग, तो पकौड़ा तो हर घर में मिल जाएगा, हर घर में पकौड़ा बनाने वाले हैं, उसकी आमदनी क्या होगी, कहाँ से व्यवसाय चलेगा? ये लोग खाने का काम कर रहे हैं, उसलिए ज्यादा समय हमारे पास नहीं, इसके बाद हमको दोबारा जाना है। आप लोगों को सही निर्णय लेना है, देश हमारा एक रहेगा या टूटेगा, और दोबारा आप सबको लोकतंत्र में मालिक आप हो, जनता हो, और सबसे बड़ा जनता का हथियार वोट है। ये दोबारा मोदी जी अरविंद से आ गया तो आपको वोट का अधिकार जो मिला है वो भी छीन लेगा, फिर चुनाव नहीं होगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा। उसमें हम आप लोगों के विचार है, जो हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का जो हम लोगों का आंदोलन है, क्या आंदोलन है? बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, इस लड़ाई के साथ हम लोगों को आगे चलना है। आज आरक्षण पे खतरा है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है, फिर से वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहता है। नीतीश कुमार जी, आप सब जो है, जनता आपको पहचान रही है कि आपने मंडल के लोगों को धोखा देने का काम किया है, आपको सजा देंगे। और जब ईमानदारी से आप समझिए, जब ये लोगों से सवाल पूछोगे, बीजेपी के लोगों से काम क्या किया, या कुछ बोलने को नहीं रहेगा, तो फिर से वही पुराना एजेंडा पे आ जाएगा। कौन सा इनका एजेंडा है? हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा, यही काम में लग जाएगा। तो एक चुटकुला है कि राम जी और सीता जी स्वर्ग में थे, तो राम जी को हिचकी आता है, तो सीता मैया को कहे प्रभु आपको हिचकी काहे आ रहा है, तो राम जी बोलते हैं चुनाव लगता है, पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो आप समझ जाइए, ये जो लोग हैं सबको ठगने का काम किया, गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी है, ये फलों की पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है। उसलिए हम सब लोग महागठबंधन के लोग एकजुट हुए हैं। माफ कीजिएगा मोदी जी, आप तो परमानेंट बैठोगे नहीं रहिएगा प्रधानमंत्री पद पे। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे नहीं रह सकता है लगातार, परमानेंट किसी की कुर्सी नहीं है। लेकिन ये जितनी संवैधानिक संस्थाने हैं, वो तो वहीं की वहीं रहेगी, आप इसको बर्बाद मत कीजिए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे को संविधान बचाना है, संवैधानिक संस्थानों को बचाना है, देश को बचाना है। उसलिए महागठबंधन के लोग, मांझी जी, कुशवाहा जी, सन ऑफ मला, मुकेश सहनी, शरद जी, कांग्रेस पार्टी, लालू जी, हम तो सब लोग एकजुट हुए हैं, देश के हित के लिए एकजुट हुए हैं, बिहार के हित के लिए एकजुट हुए हैं, गरीब के लिए एकजुट हुए हैं, क्योंकि जो अमीरों की पार्टी है उसको सजा देने का काम किया जाए। ये जो चौकीदार जो है, नीरव मोदी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है, आपका ललित मोदी भाग जाता है, बात एक नहीं समझ में आता भाई, ऐसे चौकीदार है कि सब जनता का पैसा लेके विदेश भाग जाता है, और उन्हीं का बिरादरी का सब भाग रहा है, और किसी का बिरादरी का नहीं। तो ये बात समझने की जरूरत है, उसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर यूपीए की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो न्यूनतम आय योजना जो है वो लागू करने का काम करेंगे, यानी मिनिमम इनकम गारंटी, यानी देश में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसका आय 12,000 रुपए होगा, यानी देश में 12,000 वाला कोई परिवार नहीं बचेगा। ये हम लोगों की योजना है, ये हम लोगों की लड़ाई है, गरीबों को आर्थिक न्याय दिलाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए आप समझिए कि 5 करोड़ परिवार को
यानी 5 करोड़ परिवार, यानी सीधे 5 से गुना कीजिए तो एक परिवार में अगर 5 लोग लेते चले तो 25 करोड़ लोग। गरीब जो 20% जो सबसे गरीब जो नीचे से उनको ये योजना का फायदा। तो सबसे पहले आकर के इन्होंने पार्टी को साथ देने का काम किया, लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम किया, एनडीए को छोड़ने का काम किया। इसलिए हम लोग तो निश्चित हो ना जिताइएगा हनुमान जी को, पूरा वोट दे करके दे जाइए, पीछे से हाथ उठाइए भाई, जिताना ना, एक नारा लगाए। हम बोलेंगे बीजेपी भगा तो आप बोलेगा देश बचाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, हम बोलेंगे बेरोजगारी मिटाओ तो आप बोलेगा आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, अपने पलटू चाचा के लिए हम बोलेंगे पलटू चाचा भगा तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना, पलटू चाचा भगाओ, निराश थे तो हम जब मेरे पिता जेल जा रहे थे तो लालू जी ने कहा बेटा निराश मत होना, निराश होइएगा तो सीधे मालिक के बीच चले जाएगा, मालिक के बीच में आए हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय कमल पहला से मांगी जी को।